सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑल वीडियोस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी बोर्ड, जो हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं वो कैसे यूज़ करना चाहिए, हमें क्या क्या फीचर जो है इनेबल करना चाहिए, क्या क्या सेटिंग्स जो है जो हमें समझनी चाहिए, तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको अगर नहीं पता कि वो प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, उसको अपडेट करना है, या आपके मोबाइल में आपको ऐप में नहीं दिखाई दे रहा, तो आपने उसके होम आइकन को डिसेबल कर रखा है। सिंपल भाषा में कह दूँ, जी बोर्ड यहाँ पर आके टाइप कीजिए एंड ओपन कर दीजिए, अपडेट मांग रहा है तो अपडेट कर दीजिए। ओके, सो यहां से डायरेक्ट आप पहुंच जाओगे सेटिंग्स के सेक्शन में। सो अब इसमें क्या क्या आपको फीचर दिए जाते हैं, कितने मल्टीपल लैंग्वेजेस आप यूज़ कर सकते हो, वो मैं आपको यहाँ से बताऊँगा। एंड व्हाट्सएप कोई भी आपको एक नॉर्मल एप्लीकेशन पर जाना है एंड वहाँ से भी कैसे एक्सेस करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है एकदम एंड तक देखिए। तो यहाँ पर बात करते हैं लैंग्वेजेस की, तो ऐड कीबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा आपको, जो भी लैंग्वेज चाहिए, बहुत सारे लैंग्वेजेस है, आप कोई भी आपके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लीजिए जो आप यूज़ करना चाहते हो। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। एंड डिलीट करना हो तो किसी को चेकबॉक्स में चेक करके डिलीट पर आप क्लिक कर सकते हो। तो ये सेटिंग्स का ऑप्शन था जहाँ पर आप जो है बहुत कुछ अलग अलग लैंग्वेजेस में डाउनलोड कर सकते हो। प्रेफरेंस की बात करते हैं तो नंबर रो, यहाँ पर मैं व्हाट्सएप पर चलकर आपको बता देता हूँ। तो देखिए, अभी आप जो हो यहाँ पर कीबोर्ड में कीपैड में नंबर रो देख रहे हो, आपको अगर वो इनेबल या डिसेबल करना है तो आप यहाँ पर से देख सकते हो। यहाँ से मैंने डिसेबल कर दिया तो अभी आपको यहाँ पर ये नहीं दिखाई देगा, जैसा कि आप देख रहे हो कि वो जो है डिसेबल हो चुका है। अगर आप जो है यहाँ से सेटिंग को ओपन करना चाहते हो तो आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो सेटिंग्स पर। तो जैसे अगर मुझे नंबर रो इनेबल करना है तो मैं कर देता हूँ शो इमोजी स्विच की। सो इससे क्या होगा, आपको यहाँ पर जो है इमोजी स्विच की दिखाई देगा, जो आप एकदम एंड पर देख रहे हो वो एक इमोजी स्विच की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारे स्टिकर है, इमोजी है, बहुत कुछ है यहाँ पे। सो आपके हिसाब से यहाँ से जो भी है सिलेक्ट करना चाहो आप कर सकते हो यहाँ पे। सो ये था इमोजी स्विच की का। तो यहाँ पे लैंग्वेज की अगर आप चेंज करना चाहो तो लैंग्वेज की भी दिखाई देगा। जैसे अगर मैं ये डिसेबल करता हूँ तो आपको अभी यहाँ पर ये देखिए, ये जो सर्कल दिख रहा है ये एक्चुअली जो है आपका लैंग्वेज का है, लैंग्वेज स्विच की है। ओके, सो शो इमोजीज इन सिंबल कीबोर्ड। सो सिंबल कीबोर्ड में अगर हम दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका जो है एक स्ट्रिप में दिखाई देगा। सो यहाँ से आप जो है उसको इनेबल कर सकते हो। तो लेआउट अभी आपको दिखाई देता है, वन हैंडेड मोड, राइट हैंडेड मोड वगैरह जो भी आपको चाहिए। सो अगर आपका जो है मोबाइल या जो भी आप यूज़ कर रहे हो थोड़ा बड़ा है तो कीबोर्ड का साइज़ भी अल्टीमेटली वो जो है बड़ा हो जाता है। सो आपको अगर वन साइड यूज़ करना है, उसको आपको कन्वीनियंटली यूज़ करना है, कंफर्टेबल फील कराना है, सो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो लाइक राइट हैंडेड मोड। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे चले जाता हूँ तो अभी ये जो है थोड़ा लेफ्ट की ओर से देखिए एस्केप कर चुका है, थोड़ा सा कंप्रेस हो चुका है एंड राइट की ओर शिफ्ट हुआ है। तो ये मुझे इजीली अगर मैं एक हाथ से पकड़ के सिंगल हैंडेड टाइपिंग करना चाहता हूँ तो ये मुझे यहाँ से बहुत अच्छा फीचर मिल जाता है। ओके सॉरी, सो यहाँ पे आप देख रहे हो आप इसको वापस जो है ओरिजिनल फॉर्म में भी ला सकते हो, उसका भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो अभी हम बात करेंगे स्विच टू डार्क थीम इन बैटरी सेवर। तो ये भी अच्छी बात है, आप बैटरी सेव करना चाहते हो तो आप इसको डार्क थीम में भी कन्वर्ट करा सकते हो। सॉरी, सो यहाँ पे इमोजी ब्राउजिंग सजेशन अगर आपको डिसेबल करना है तो आप डिसेबल कर सकते हो। सो इमोजी ब्राउजिंग सजेशन जब भी आप टाइप करोगे वो आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, जैसे आपको वर्ड्स के सजेशन आते हैं वैसे वो वाले सजेशन डिप जो है रिमूव हो जाएंगे जैसे आप इसको डिसेबल कर दोगे। साउंड ऑन की प्रेस, तो ये अगर आप ओपन करने के बाद अगर प्रेस करते हो तो आपको देखिए ऐसे आवाज़ सुनाई देगी। सो ये है साउंड ऑन की टैप वगैरह अगर आप प्रेसिंग कर रहे हो तो उसके लिए आप उसको, लेकिन अगेन ये थोड़ा सा यहाँ पे आपका बैटरी कंज्यूम करेगा। तो आप छोटे छोटे वो टिप्स देखिए जहाँ पर आप अपने बैटरी को कंज्यूम कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊँ, सो बहुत ही बारीकी से अगर मैं आपको सब चीज़ बताऊँ उसमें कि कैसे आप छोटे छोटे नुस्खे से जो है आप अपने बैटरी को बचा सकते हो, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए इस चीज़ के लिए, आप मुझे कमेंट में टाइप करके जरूर बताइए। ओके,
सो यहाँ पे हैप्टिक फीडबैक ऑन की प्रेस, तो आप जो है फीडबैक के लिए भी यहाँ पर इसको इनेबल कर सकते हो, पॉपअप ऑन की प्रेस। सो पॉपअप क्या होता है, जैसे आपने कुछ चीज़ टाइप कर लिया, देखिए ये पॉपिंग हो रहा है ना लेटर्स, तो ये बहुत बुरी चीज़ है। अगर आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हो, कुछ पासवर्ड टाइप कर रहे हो, तो ये पॉपअप होने की वजह से किसी न किसी को पता ज़रूर चल जाएगा। सो पॉपअप चीज़ को भी आप डिजेबल करके रख सकते हो, आपके ओपिनियन के हिसाब से आप यूज़ कीजिए। बाकी एज सच तो मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता, और इसका कोई डिसएडवांटेज भी नहीं है ताकि मैं आपको इमोशनली उसके लिए फोर्स कर सकूं। सो ओके, सो लॉन्ग प्रेस फॉर सिंबल्स, सो यहां पे हिंटेड सिंबल्स के लिए आप जो है लॉन्ग प्रेस कर सकते हो, जैसे आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, यहां पे मैंने लॉन्ग प्रेस कर देना है कुछ चीज अगर मुझे चाहिए कि मैं एट द रेट यूज करूं, या इसको प्रेस करके आप देख सकते हो कई सारे अलग अलग सिंबल्स है। सो यहां से आपको देखने को मिल जाता है, आप क्विक टाइपिंग भी कर सकते हो, ब्रैकेट्स भी यूज कर सकते हो, तो बहुत ही अच्छा सिस्टम आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो ये फीचर को जो है आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। की लॉन्ग प्रेस डिले, तो ये आपको कितने मिली सेकेंड्स के लिए रखना है, आप चाहो तो इसको कम सेकेंड के लिए भी रख सकते हो। तो जैसे बहुत कम सेकेंड के लिए भी अगर मैं टिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए इस चीज़ को, आपकी अगर टाइपिंग फास्ट है तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे टाइप कर सकते हो, बट आप हल्का सा भी ऐसा कर दोगे तो ये आपको यहाँ पे ब्रैकेट देखने को मिल जाएगा। तो ये आप नियर बाय 200 मिलीसेकंड्स तक इसको सेट कर सकते हो, वरना कभी कभी आपकी अगर स्लो टाइपिंग की हैबिट है तो वहाँ पर जो है लेटर्स टाइप होने की बजाय आपका जो है सिंबल टाइप होगा, तो आप इसको 190-200 के आसपास जो है सेट कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया प्रेफरेंसेस के बारे में, अभी तो बहुत सेटिंग बाकी है, देखते रहिए एंड तक। सो थीम आता है, आपको बैटरी सेवर थीम डालना है तो आप डाल सकते हो। सो मोस्टली आप जो है ब्लैक वाला यूज करिए, ताकि आपको जो है वहां पर बैटरी सेवर का ऑप्शन मिल जाएगा। कोई भी कलरफुल थीम जो है आप सिलेक्ट मत करिएगा, मैं तो प्रिफर ही नहीं करता, इस चीज में बैटरी आपका जो है ज्यादा कंज्यूम होगा। सो अब ये है थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्स्ट करेक्शन, तो शो सजेशन स्ट्रिप। तो अगर कभी कभी ये चीज़ कैसे थोड़ा अनोइंग हो जाता है, तो अगर आप नहीं चाहते हो तभी भी वो आपको सजेशन बताता है। तो जैसे मैंने अभी इस चीज़ को डिसेबल कर दिया, आप भी कर सकते हो। ओके, सो ये सजेशन स्ट्रिप को मैंने डिसेबल कर दिया। ब्लॉक ऑफेंसिव वर्ड, अगर आपकी हैबिट है कि आप ऑफेंसिव वर्ड्स को यूज कर रहे हो, तो ये आपकी हैबिट को सुधारने में मदद कर सकता है। सो यहाँ पे ये ब्लॉक कर देगा ऑटोमेटिकली। शो इमोजी सजेशंस, तो इमोजी सजेशंस भी आपको दिखाई देंगे। सजेस्ट कॉन्टैक्ट, यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स फॉर सजेशन, सो इसको जो है आप इनेबल कर सकते हो। तो बट यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट जो है जीबोर्ड के साथ जो है सिंक हो जाएगा। ओके, सिंक इन द सेंस वो एक्सेस कर पाएगा, सिंक नहीं होगा। सो ऑटो करेक्शन के लिए भी आप जो है डिसेबल कर सकते हो, अगर आपकी टाइपिंग पे आपको कॉन्फिडेंस है तो। कभी कभार क्या होता है, आप सही टाइप करते हो मगर ऑटो करेक्शन की वजह से आपके वर्ड्स जो है चेंज हो जाते हैं, तो वो मुझे बहुत अनॉइंग लगता है। तो इस चीज़ के लिए मैं जो है आपको डिसेबल करने को ही बोलूँगा। अगर आपको टाइपिंग नहीं जम रही है कोई भी लैंग्वेज में आप कर रहे हो, तो आप इसको इनेबल कर सकते हो। सो ऑटो स्पेस आफ्टर पंक्चुएशन, सो यहाँ पे क्या होता है, आपका ऑटो स्पेस लग जाता है आफ्टर पंक्चुएशन। सो ये भी आप जो है यूएस इंग्लिश कीबोर्ड में एक्सेस कर सकते हो इस चीज को। अगला है ऑटो कैपिटलाइजेशन, तो एक ये अच्छा है ऑटो कैपिटलाइजेशन, फर्स्ट लेटर जो है आपका फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर वो ऑटोमेटिकली कैपिटल हो जाएगा जैसे ही आप कुछ टाइप करोगे। जैसे मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ इस तरीके से क्वालिटी, सो वापस अगर मैं टाइप कर रहा हूँ तो ये जो है छोटा हो जाएगा, बट आपका जो है फर्स्ट सेंटेंस का जो भी है फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो डबल स्पेस फुल स्टॉप, इसको भी आप इनेबल कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ज़्यादा स्पेस एक ही बार में डालना है तो ये चीज़ थोड़ा आपको यहाँ पे डिसअपॉइंट करेगा, क्योंकि बार बार वहाँ पर फुल स्टॉप आता जाएगा। ओके, सो स्पेल चेक के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि आपको अगर चेक करना है कहीं पर आपने मिस स्पेल किया हुआ है, सो उस चीज़ को यहाँ पर जो है आप देख सकते हो स्पेल चेकिंग के दौरान। ओके, सो ये हमने देख लिया यहाँ पे थीम टेक्स्ट करेक्शन। अभी आते हैं ग्लाइड टाइपिंग पर। सो ग्लाइड टाइपिंग क्या होता है, बेसिकली आपको बता देता हूँ, इस तरीके से आप जो टाइप कर रहे हो ये होता है ग्लाइड टाइपिंग। तो ये मैंने टाइप किया था डिवीजन, तो आप कुछ भी कर सकते हो, आर टी ओ या ऐसा कुछ भी आप जो है यहाँ पे डाल सकते हो। ओके, सो इस तरीके से आप
जो है डाल सकते हो आपके हिसाब से ग्लाइड टाइपिंग। उसके लिए आपको जो है मिलीसेकंड कम करना पड़ेगा, जो लॉन्ग प्रेस का मैंने आपको बताया था, नहीं तो क्या होगा आपका सिंबल ही वहां पर आ जाएगा। सो शो जेस्चर ट्रेल, तो इस चीज़ को भी आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हो जहाँ पे आपको जेस्चर दिखाई देगा वाइल्ड ग्लाइडिंग। सो इनेबल जेस्चर डिलीट, सो ये भी आप डिलीट करने का ऑप्शन रख सकते हो, कर्सर कंट्रोल कर सकते हो, तो ये जो है आप सारे इनेबल कर सकते हो। वॉइस टाइपिंग आप पर डिपेंड करता है, अगर आपको टाइपिंग करना नहीं जम रहा है तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा डिक्शनरी में आप देख सकते हो ऑल लैंग्वेजेस है वगैरह ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, तो ये डिक्शनरी है। और सर्च सेक्शन में भी आप देख सकते हो इस तरीके से, या आप डिसेबल भी कर सकते हो सजेस्ट कंटेंट के लिए। सो यहाँ पे भी आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एडवांस सेक्शन में शो ऐप आइकन आप हाइड कर सकते हो। पर्सनलाइजेशन अडाप्ट जीबोर्ड टू योर टाइपिंग एंड वॉइस टाइपिंग यूजेज पैटर्न्स, तो इसको सब चीज़ को इनेबल करना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग आती है, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, नहीं तो शायद आपको समझ में भी ना आए आपने क्या गलती की है। ओके सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो जीबोर्ड की सेटिंग, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।